सोबन ये तो सोब दर हाँ क्या क्या लेके कितने आदमी थे दो थे दो जने थे लेडीज है हाँ लेडीज है क्या क्या लेके गए मतलब क्या क्या लेके गए मतलब सब कानों में गए गले में गए थे और गले में था तो वो भी खींच के निकाल लिए पैसे वगैरह भी हाँ पैसे लेके लाख पैसा 6 लाख लेके 6 लाख जेवर भी लगे घर में कितने जने रहते हैं यहाँ हम दोनों ही से आपको किसी चीज से डरा है क्या नहीं नहीं मार डालते हो रहे के पास आवाज नहीं करना मैं चीख रही थी तो मार डालते आवाज ने बोल के घज बन दिए थे आवाज नहीं निकलेगा सा गले को बन दिए थे चाकू वगैरह बताए हाँ चाकू बताए बुरखा पहन के दोनों के अंदर यहाँ पर इस मकान के अंदर जहाँ पर दो सही गुजराती रहते थे उनके मकान के अंदर इफ्तार के टाइम के ऊपर दो खवातीन बुरखे में आए आकर इफ्तार लाए बोलकर बहाने से अंदर घुस कर खवातीन को अच्छी से बांध कर और बड़े इज्जत रहते उन लोगों को डरा कर मारने की धमकी देकर उनकी अलमारी में से कुछ 8 लाख रुपए लेकर बाहर से दौड़ बन कर कर चले गए हैं। ये कोई जानकार आदमी ही कर सकता है जिसको इत्तला है कि जई हजरात के पास कोई नहीं रहते सिर्फ एक मियाँ बीवी दोनों जई हजरात रहते हैं इनको एक बच्ची है जो अमेरिका में है कोई जानकार आदमी कर सकता है। पुलिस टीम का इंतज़ार कर रही है और इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द पुलिस की कोशिश करेंगी और हम भी परसों करेंगे कि इसको जल्द से जल्द ये खातिर पकड़ा जाए जो सारे टीम को पकड़ा जाए। और साथ ही साथ मैं आवाम से ये भी कहना चाहूँगा कि नए अफराद को शाम के टाइम पे इफ्तार के टाइम के ऊपर अपने घरों के अंदर इफ्तारी के बहाने या किसी और बहाने दाखिल होने ना दिया जाए। घरों में रहिए कोविड का ज़माना है मास्क लगाइए अपने आप की हिफाजत खुद करिए। शुक्रिया। సయ్యద్ రియాసత్ అలీ అనే 65 and 80 ఇయర్స్ ఉన్న భార్యాభర్తలు హిందీలో చెప్తే మనకి మియా బీవీ ఘర్మే రైతే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మే ఫ్లాట్ మే ఇఫ్తార్ కే టైం పే 6:30 కే టైం పే దో ఔరత్ లోగ్ ఇఫ్తారీ లేకే ఆయతే దర్వాజా కట్కటాయేతో దర్వాజా ఖోలే బడే మియా అందర్ జానే కే బాద్ వో మియా బీవీకు దోనో జో ఔరత్ ఇఫ్తార్ లాయే సో వాలా उसको हाथा पाँव बंद कर तय करके डराया डरा के उसमें से कुछ पैसे लेके गए बोल रहा लाखों रुपया बोल रहा मगर वो वेरीफाई करना है। ये अभी जो ये विकार उन्नीसा थोड़ा मिजाज कम मिजाज ठीक नहीं है तो उस्मानिया को भेजा ये बड़े मियाँ को कहाँ है क्या हुआ बोल नहीं सक पा रहे 80 का है उन्होंने दरमियान तो मेरे मैं बोल नहीं सकता बाबा ऐसा ऐसा है बोल रहा ये हम तहकीकात करते करने के बाद चोरों को पकड़ते पकड़ने के बाद फिर आपको इत्तला देते। थैंक यू। दो ही लोग हैं वॉचमैन का वो भी देखा बोल रहा सब उन्होंने इफ्तार के टाइम पे इफ्तारी लेके आए खिड़की में से देखे सो जो दिखता दरवाज़ा कटकटाए तो उनको खोला मैं तरकारी करने के लिए तरकारी वो अंदर रखने के लिए गए उन्होंने 6:30 6:45 के बीच में आके लेके गए बोल रहा इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करके उसको चोरों को पकड़ेंगे। सीसी कैमरा है सर ये बिल्डिंग में कहाँ अपार्टमेंट में अभी नहीं है किधर भी नहीं है वॉचमैन नहीं था सर हाँ वॉचमैन था वॉचमैन का बीवी था वॉचमैन का बीवी ने देखा वो दो औरतों को उन्हें खुद दरवाज़ा खोले अंदर गए कुछ भी नहीं बोला दोनों लेडीज से आने वाले दोनों लेडीज ही या बुरखे में है दो लेडीज उसका नकाब भी नहीं खोला खाली आंखें दिख रहे थे वो अंदर गए बोला Okay. और कुछ तो क्या आता है बोले तो आप लोग हर एक सीसी कैमरा लेना नैनो सहितम लेना वो हर एक राउंड द क्लॉक उन्होंने सिक्योरिटी रखते कोई भी चोर हुए तो पकड़ने को आते इतने बड़ा बिल्डिंग बना के बाद भी एक भी कैमरा नहीं है आजू बाजू वाले जाके देखना पड़ रहा है अभी 9 o'clock से कर्फ्यू चल रहे सो बंद हो गए उसलिए हम एक एक को उठा के देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा फिर भी सुबह तक हम कुछ नतीजे पे पहुँचे नहीं पूछा उसको भी बोला ये ऐसा अपार्टमेंट में मिलजुल के यही रहना है
और आप खुद एक कौन आ रहा है कौन जा रहा है बोल के एक कैमरा है नैनो सहितम तो भी लगाओ बोले तो नहीं लगाया, फिर भी उनको एजुकेट करेंगे। ये इसके ये मौके पे सब आवाम को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट कम से कम इंडिविजुअल एक दो कैमरा तो लगाए तो वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो कैमरा तो बोल सकते, आप नहीं बोले तो ऐसा ओल्ड एज पीपल सेफ रहना अच्छा है। निखत एक्सक्लूसिव फॉर ब्राइडल वियर्स अब मेहंदीपट्टनम पर भी आ सकते हैं। टोली चौकी और पत्थरगट्टी पर धूम मचाने के बाद अब मेहंदीपट्टनम पर निखत एक्सक्लूसिव फॉर ब्राइडल वियर आ चुका है। खवातीन और दोशीज़ाओं के लिए उम्दा मलबूसात का मरकज़ खड़ा दुपट्टास ब्राइडल वियर्स शराराज गरारास के अलावा दीगर मलबूसात दस्तियाब हैं। निखत एक्सक्लूसिव ब्राइडल वियर्स मेहंदीपट्टनम चौराहा हैदराबाद।